नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10वीं के लिए, तो पहले बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। आज के इस प्रश्न में एक आकृति दी गई है जिसमें अंदर एक छायांकित भाग है, लेकिन देखिए इस आकृति का नाम ABCD आकृति है, इस प्रश्न में लिखा गया है। वैसे तो ये आकृति बनाई गई है, लेकिन हम आपके सामने बनाते हैं पूरी। तो ज्ञात क्या करना है कि इसमें छायांकित भाग का एक हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन जो इसकी भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें, ये जो वर्ग है इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है तो सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर हो गई। अब आगे देखिए, इसकी प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, अब देखिए इसकी जो ये एक भुजा है इसे व्यास मानना है। देखिए वर्ग के लिए व्यास कोई भाग नहीं होता, लेकिन वर्ग की एक भुजा को हमें व्यास मानना है। व्यास किस में होता है? वृत्त में। तो देखिए इसकी प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। व्यास है किसको? भुजा को। फिर यहां पे बनाना है क्या? अर्धवृत्त। वृत्त पूरा नहीं बनाना है। अब सोचिए वृत्त बनाना है मतलब किसकी जरूरत पड़ेगी? केंद्र की। तो ये जो व्यास है इस व्यास के ठीक बीचों बीच होता है केंद्र, और ये बना दिया हमने इसमें अर्धवृत्त। ध्यान से देखें, ये अर्धवृत्त बना दिया। उसी प्रकार से बोला ना, प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, मतलब सभी भुजाओं पर इसी प्रकार से हमें अर्धवृत्त बनाना है। चलिए ये हमने आमने सामने वाली दो भुजाओं पर अर्धवृत्त बना दिए, फिर इस तरह बनाते हैं। ये देखिए, तो सभी भुजाओं को व्यास मानकर हमने अर्धवृत्त बनाए, तो चार अर्धवृत्त बन गए। और इन अर्धवृत्तों की वजह से ये अंदर जो डिजाइन बनी है इसी को प्रश्न में छायांकित किया गया है, और इसी छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, इससे पहले हम जो वीडियो आपके सामने लेकर आए थे वहां हमने आपको ये बताया था कि जब भी किसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि पूछा जाता है तो हमें क्या करना है, पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसके अंदर जो खाली भाग है उसका क्षेत्रफल हमें माइनस करना है। तो ये नहीं है कि उन प्रश्नों में ये था, यहाँ नहीं है, यहाँ वही तरीका होगा, हमें वही काम करना है, पूरी आकृति का क्षेत्रफल करके इन खाली भागों का क्षेत्रफल माइनस करना है। लेकिन उसके लिए हमारे पास सभी का सूत्र होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया क्या गया है वो प्रश्न में देखना है। हमें दिया गया है वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। ये वर्ग की जो भुजा है वो इन अर्धवृत्तों के लिए क्या है? प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर खींचे गए अर्धवृत्तों का व्यास। तो ध्यान से देखें, ये जो 10 सेंटीमीटर की भुजा है वही व्यास है। तो सोचिए, हमें वृत्त हो चाहे अर्धवृत्त हो, हमें व्यास की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है वो है त्रिज्या की। मैंने बताया था आपको कि जब भी वृत्त बनता है तो वृत्त से पहले त्रिज्या होती है, फिर वृत्त का निर्माण होता है। तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी इसकी आधी, यानी व्यास की आधी होती है, तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, सबके लिए त्रिज्या का मान हमें पता है, वर्ग के लिए मुख्य चीज़ भुजा होती है, भुजा का मान हमें पता है। तो अब करना क्या है? तो भाई पूरे वर्ग का क्षेत्रफल तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो खाली भाग हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्या ऐसी कोई आकृति हमने पहले पढ़ी है? देखिए, इस प्रकार की हमने कोई आकृति पहले पढ़ी ही नहीं है, और ना ही हमारे पास इसका कोई सूत्र है। तो अब सोचना यह है कि इस खाली भाग का क्षेत्रफल आखिर कैसे करें। अब कोई कहेगा कि सर ये तो त्रिभुज है। देखिए, ये त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भाग है वो वृत्त की परिधि का एक कटा हुआ भाग है, चाप की तरह नजर आ रहा है। तो ध्यान रखें, ये त्रिभुज नहीं है। ये नहीं है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और सूत्र लगाना है, ऐसा काम नहीं करना है हमें। तो खाली भाग का क्षेत्रफल करने के लिए हमें करना क्या है, अब वो ध्यान से देखिए। हमें यहाँ पे पहले ज्ञात करना है खाली भाग का क्षेत्रफल। जब इस प्रकार की कोई आकृति हो और हमारे पास खाली भागों के लिए सूत्र ना हो तो ये काम करना है। तो खाली भाग का क्षेत्रफल देखते हैं, जैसे होता है जैसे करेंगे, ठीक है। अगर एक भाग का ज्ञात हुआ तो एक भाग का करेंगे, मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक। दो भाग का हुआ तो फिर दो भाग का लिखेंगे, जो भी होगा वैसे करेंगे। चलिए करना कैसे, ये जो पूरा वर्ग हमें नजर आ रहा है, इस वर्ग के अंदर अभी हमने कौन सी आकृति बनाई थी वो सोचना है।
कि सर हमने बनाए थे अर्धवृत्त, तो देखिए वैसे तो मैंने चार अर्धवृत्त बनाए हैं, लेकिन करना क्या है अभी, एक अर्धवृत्त मैंने ये ले लिया ऊपर वाला, जैसे ऊपर वाली जो भुजा है उस व्यास मानकर हमने जो अर्धवृत्त बनाया था, अगर मैं इस अर्धवृत्त को पूरा ले लूं तो मैं क्या देखता हूं कि नीचे तरफ ये जो आकृति बचेगी, और फिर अगर नीचे की तरफ भी मैं अर्धवृत्त ले लूं, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों अर्धवृत्तों को अगर मैं ले लेता हूं और उसे अगर काट कर अलग कर देता हूं तो बचेगा क्या, दो खाली भाग बचेंगे, और यही हमें ज्ञात करना है कि भाई खाली भागों का करेंगे फिर पूरे में से माइनस करेंगे तो डिजाइन आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि खाली भाग का ज्ञात करने के लिए हमें केवल पहले दो खाली भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब दो क्यों करेंगे, चारों एक साथ क्यों नहीं कर सकते, तो देखिए अगर मैं इन दो अर्धवृत्तों को काटता हूं तो दो खाली भाग बचते हैं, या फिर इस तरफ वाले दो अर्धवृत्त काट दो, लेकिन अगर मैं चारों ही अर्धवृत्त अगर मैं काटूंगा तो हम क्या देखेंगे, यहां जो ये ऊपर वाले में ये जो डिजाइन गई, पास वाले में जैसे ये काटूंगा ये डिजाइन एक बार और चली जाएगी। अब एक ही आकृति में से दो दो भाग तो हम काट नहीं सकते, इसीलिए हमने क्या किया कि दो अर्धवृत्त ले लिए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जैसे इन दोनों को काट के अलग करूंगा किसमें से, वर्ग में से, तो बचेगा क्या, दो खाली भाग, और ये दो खाली भाग और ये दो खाली भाग, इनमें से ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है, वो हमें नजर आ रहा है क्योंकि आकृति है वो सब तरफ से समान है, वृत्त जो अर्धवृत्त बन रहे हैं, तो इस हिसाब से ये चारों ही आकृतियां कैसी है, समान। तो जैसे हम दो खाली भाग ज्ञात कर लेंगे तो ये जो दो खाली भाग होंगे वो भी इन दोनों के समान ही आएंगे। तो अब क्या करेंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, इस वर्ग में से एक ऊपर वाला अर्धवृत्त एक नीचे वाला अर्धवृत्त, यानी दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। देखिए सूत्र में याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सूत्रों का निर्माण हमने इससे पहली वीडियो में समझा दिया है, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप देख सकते हैं कि आखिर सूत्र का निर्माण कैसे हुआ। दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अब सोचिए अगर वृत्त का क्षेत्रफल होता तो यहां होता पाई आर स्क्वायर। अब सोचिए दो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त कितना है, दो, तो सोचिए कि सूत्र का निर्माण क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर बटे दो है, मुझे बताएं, ये भी पाई आर स्क्वायर बटा दो है, हम सबको पता है, लेकिन यदि दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल एक साथ है, भाई दोनों ही समान है, छोटा है ना कोई बड़ा है, तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जो है एक साथ है तो सूत्र बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल होगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए चार चतुर्थांश, तो सोचिए चार यदि चतुर्थांश होते तो वही पाई आर स्क्वायर बटे चार होता, एक का, इसका भी पाई आर स्क्वायर बटे चार, सबका यदि मैं देखूँ तो पाई आर स्क्वायर बटे चार होगा, लेकिन चारों का यदि एक साथ देखूँ तो वहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि दो अर्धवृत्त मिलकर पूरे वृत्त का निर्माण कर सकते हैं, तो चार चतुर्थांश मिलकर भी एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। चलिए भुजा 10 है उसका वर्ग, फिर यहाँ पे देखिए पाई का मान, यहाँ हमें पाई का मान अलग से दिया गया 3.14। मैंने आपको बताया था कि जब किसी प्रश्न में पाई का अलग से मान दिया हुआ नहीं है तो 22/7 लेना है, लेकिन पाई का मान यदि दिया गया है तो जो दिया गया है हमें वही लेना है। आर का मान 5×5। अब देखिए आगे 10 का वर्ग हो गया 100, फिर माइनस, अब गुणा पहले करना है, जब भी गुणा में इस प्रकार से दशमलव आ जाए तो सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे, तो बट्टा में लग गया क्या 100। अब ये 100 क्यों लगा, देखिए दशमलव के पीछे यदि दो अंक है तो एक जीरो वाली संख्या नहीं लगकर दो जीरो वाली संख्या आएगी, यदि दशमलव के पीछे एक अंक होता तो नीचे एक जीरो लगता, दशमलव के पीछे दो अंक है इसलिए दो जीरो लग गए। अब क्या करना है, अब इन तीनों को आपस में गुणा करके फिर काटना है। मैंने आपको ये बताया था कि यदि बट्टा के नीचे 10, 100 या 1000 आ जाए तो उन्हें काटने के लिए अगर आप पहाड़े से काटते हो गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन यदि हम इन सब का गुणा करने के बाद यदि कोई जीरो कटता है और उसे काटेंगे तो ये प्रश्न हमारा सरल रहेगा। तो अब चलिए 314, 5 और 5 इन तीनों का गुणा करते हैं, गुणा प्राप्त हो गया 7850 और बट्टा में कितने हैं 100। अब देखिए ये एक जीरो से ये एक जीरो कट रहा है तो काट दिया, इसलिए हमने पहले इसे पहाड़ से नहीं काटा। अब देखो जीरो से जीरो कट गया, अब एक जीरो ऐसा है जो कट नहीं रहा है। अब देखिए ये तो 100 है ही, ये माइनस है ही, बट्टा के नीचे एक जीरो, वही वापस चीज़ याद देखिए, यदि जैसे मैंने दशमलव हटाया बट्टा के नीचे जीरो लग गए, वापस यदि मैं 10 को हटाता हूँ, मतलब 10 का हमें क्या देना है भाग, तो अगर मैं 10 का भाग दे के 10 को हटाता हूँ तो वापस क्या लग जाएगा दशमलव, जितने जीरो
उतने अंक, फिर दशमलव लगेगा, तो ये हो गए 78.5 हो गए। ये 10 का हमने भाग दे दिया, जितने जीरो उतने अंक दशमलव लगा दिया। अब क्या करना है, 100 में से 78.5 घटाने हैं। अब देखिए, यदि कभी जोड़ और बाकी में ऐसा हो जाए कि एक संख्या बिना दशमलव की, लेकिन एक संख्या यदि दशमलव की हो, जोड़ और बाकी में देखिए, ध्यान गुणा के अंदर तो क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं, बाकी और जोड़ और बाकी में दशमलव को हटाना नहीं है। हमें करना क्या है, जिसके साथ दशमलव नहीं है उसके पीछे दशमलव मन से मानना है। ध्यान रखें, जिसमें दशमलव नहीं उसमें दशमलव मानना है। जब कब मानना है, जब एक में दशमलव है। और करना क्या है, दशमलव मानकर उतने जीरो लगाने हैं जितने इसमें दशमलव के पीछे अंक है। तो दशमलव के पीछे अंक कितना है, एक, तो इसके पीछे वो एक अंक के लिए एक जीरो लगाएंगे, और माइनस में क्या है 78.5। अब चलिए घटाते हैं, अब वो घटाना शुरू करना है। ये जीरो में से पीछे वाले में से ये पीछे वाला अंक घटाना है। जीरो में से पाँच नहीं जा रहा, वही उधार लेने वाला काम करना है भाई, जो पहली क्लास में हम करते थे। तो करने के बाद क्या आया, पाँच, दस में से पाँच गए, पीछे बच गए पाँच। वापस जैसे ही दशमलव की बारी आई, दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे कितना अभी, नौ, नौ में से आठ गए, पीछे बचा ये एक। यहाँ पे कितने हैं, नौ, नौ में से सात गए, पीछे बचे दो। तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो या फिर वर्ग सेंटीमीटर कह दो, ये केवल इन दो खाली भागों का क्षेत्रफल है। ध्यान रखें, ये केवल इन दो खाली भागों का है, चारों का भाग नहीं। देखिए यहाँ पे हमने ज्ञात किया है, ये हमें प्राप्त हो चुका है दो खाली भागों का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या करना क्या है, पहले चारों खाली भागों का क्षेत्रफल। अब चारों का कितना होगा, तो सोचिए 21.5 ये कितने हैं, दो भागों का, तो और जो दो भाग आएंगे उनका भी कितना होगा, 21.5 होगा। इन दोनों को जोड़ दो, ये 21 और 21 कितना हो गए, 42। ये 0.5 का अपनी सामान्य भाषा में अर्थ होता है आधा। तो सोचिए 0.5 यानी आधा, 0.5 यानी आधा, तो ये आधा और आधा जुड़ गए आपस में, कितने हो गए, एक। 21 और जुड़ गए कितने हो गए, 42। तो 42 ये हो गए और एक ये हो गया, तो कितने बन गए, 43। ये 43 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये अपने केवल इन खाली भागों का क्षेत्रफल है। देखिए पहले हम ऐसे नहीं करते थे, हम सीधा क्या करते थे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखते थे, फिर पूरी आकृति में से खाली भागों का माइनस करते थे। लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि पूरी आकृति का भी हमारे पास सूत्र होता था क्षेत्रफल ज्ञात करने का, और खाली भागों के लिए भी सूत्र होता था। लेकिन यहाँ पे खाली भागों के लिए सूत्र नहीं था, इसलिए पहले हम खाली भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये हमने ज्ञात कर दिया। अब हम करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये खाली भागों का क्षेत्रफल हो चुका है, अब हम करते हैं छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। अब छायांकित डिजाइन के लिए अब करना क्या पड़ेगा, वही काम पहले, पूरी आकृति का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, फिर माइनस क्या करना है, खाली भागों का क्षेत्रफल। यदि खाली भाग का कोई नाम नहीं है आकृति का, तो सीधा ये लिखेंगे खाली भागों का क्षेत्रफल। आकृति का नाम होता त्रिभुज, चतुर्भुज, जो भी, तो यहाँ पे नाम जरूर लिखते, लेकिन है नहीं। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये ज्ञात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ज्ञात पहले कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए भुजा का स्क्वायर किया था यहाँ पे हमने, और कितना आया था, 100। तो ये वैसे का वैसे वापस लिख देंगे 100, ये माइनस। खाली भागों का क्षेत्रफल कितना था, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 में से ये 43 चले गए, तो बच गए कितने, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो या वर्ग सेंटीमीटर कह दो। तो ये हमें प्राप्त हो चुका है इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न में हमें एक आकृति दी गई है जिसमें एक अर्धवृत्त बनाया गया, ध्यान से देखें, ये एक अर्धवृत्त बनाया गया है। अर्धवृत्त का जो निर्माण होता है वो व्यास की वजह से होता है। वृत्त में जब व्यास खींचा जाता है तो उसमें दो अर्धवृत्त बनते हैं, उसमें से एक अर्धवृत्त लिया गया है। अगर ये व्यास है तो यहाँ पे इस अर्धवृत्त का हो जाएगा केंद्र, और केंद्र से इस अर्धवृत्त की ये जो परिधि का कटा हुआ भाग यानी जो चाप है, यहाँ तक मिलाने वाला जो भी रेखाखंड होगा, जो इस चाप पर जाकर मिलेगा, कहीं पे भी मिला दो, इस प्रकार से कहीं पे भी मिला देंगे, तो वो इस अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या का काम करेगा। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 7 सेंटीमीटर, जो प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए आगे, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस अर्धवृत्त के अंदर आकृति जो प्रश्न में दी गई है, वहां पे एक वृत्त बनाया गया है। चलिए ये वृत्त है जो आकृति में बनाया गया, हमने बना दिया। अब देखिए
इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या दी गई, मतलब कोई कमी नहीं, लेकिन ये जो वृत्त का क्षेत्रफल करना है यहाँ पे तो जो मुख्य चीज त्रिज्या है वो दी गई नहीं है, तो क्या करेंगे? मैंने बताया था आपको कि जो आकृति यानी प्रश्न के अंदर जो भी दिया गया है उसी से हमें इस आकृति की कमी पूरी करनी है। तो कमी किसकी? इसमें त्रिज्या की। तो देखते हैं कि ये जो चीज है वो यहाँ इसमें काम आती है या नहीं आती है। तो देखिए अर्धवृत्त के लिए हमने क्या किया, केंद्र है ये अर्धवृत्त का, केंद्र से यदि मैं अर्धवृत्त के यदि चाप तक, ये जो चाप आया वहां तक अगर मिला दूं, तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर हम केंद्र से चाप तक मिलाते हैं तो वो उस अर्धवृत्त की क्या होगी? त्रिज्या। और त्रिज्या है कितनी? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो अर्धवृत्त के लिए ये जो त्रिज्या है वो इस वृत्त के लिए भी कुछ काम करती है या नहीं करती है? तो हम देख सकते हैं ये बीचों बीच से गुजर रही है, मतलब ये इसका क्या बन गया? व्यास। अब देखिए कमी रहने वाली नहीं, अब कमी पूरी हो चुकी है लगभग, कि इस वृत्त के लिए हमें व्यास ज्ञात हो चुका है, तो व्यास का आधा करेंगे क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो अब प्रश्न शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया प्रश्न में? अर्धवृत्त की त्रिज्या, इसे आर से दर्शा दिया, कितने हैं? 7 सेंटीमीटर। अब यही जो है वो क्या बन गई? वृत्त का व्यास। अंदर जो वृत्त बना है, ध्यान रखें यहां लिख दे, अंदर वृत्त बना है, व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। तो अब इस वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होती है? व्यास की आधी। आप चाहें तो 2 का भाग देकर दशमलव भी प्राप्त कर सकते हैं, और ये 2 का भाग नहीं देते हैं तो भी ये सही होगा, क्योंकि ये अपना अंतिम उत्तर नहीं है। अगर अंतिम उत्तर होता तो भाग दे देते। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कमी तो कोई है नहीं, अब कर सकते हैं हम इस वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र वृत्त के लिए वही पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां सोचिए, यहां पे हमारे पास त्रिज्या 2 है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या है और एक वृत्त की त्रिज्या है। क्षेत्रफल किसका करना है? वृत्त का। तो त्रिज्या भी कौन सी लेंगे? वृत्त वाली। लेकिन हमें थोड़ा यहाँ पे अलग दर्शाना चाहिए, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं का मान क्या है? अलग। तो दर्शाने का तरीका भी अलग होना चाहिए, इसलिए इसे लिख दिया R1, इसे लिख दिया R2। अगर ऐसा करते यहाँ बड़ा आर या छोटा आर तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने कौन सी आर काम ली? R2। अब लिखते हैं 22/7 इंटू आर का मान कितना? 7/2 इंटू 7/2। दो बार लिख दिया भाई, दो बार क्यों लिख दिया? क्योंकि आर के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर, तो 2 बार लिखना ही है। फिर ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए आगे, ये 7 से 7 कट रहा है, सीधा दिख रहा है, 2 और 22, 2 के पाड़े से 1 बार, ये 2 के पाड़े से 11 बार, 11 को 7 से गुणा कर दिया, ये हो गया 77/2। जब भी बट्टा में 2 आए, ध्यान रखें अगर हम यहाँ 2 का यदि भाग देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का भाग आप दे सकते हो, लेकिन बट्टा में जब 2 आए तो अपनी सामान्य भाषा याद रखें कि 2/2 का मतलब है आधा, यानी 77 का हम आधा करेंगे। यदि यहाँ पे कोई सम संख्या होती तो आधा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जैसे 70 तो आधा कर दो 35, जैसे 60 आधा कर दो ये हो गया कितने? 30। लेकिन यहाँ पे 77 यानी विषम संख्या है, विषम संख्या में 2 का भाग कैसे देना है और आधा कैसे करना है? इसमें से 1 बार निकाल दें, बस के कितने? 76। 76 का हम आधा करेंगे, ये हो गया 38। ध्यान रखें जैसे हम इसका 1 निकालेंगे 76 बच जाएंगे, 76 का आधा करते कितना हो गया? 38। अब बताओ निकाला कितना हमने? 1। उस 1 का आधा करेंगे, अब सोचना 1 का जो आधा होता है वो होता है 0.5। ध्यान रखें अभी हमने इससे जो पहले प्रश्न किया था नवा प्रश्न, उस नवे प्रश्न ने समझाया था अभी 0.5 का मतलब आधा, तो 2/2 1 का आधा 0.5 होता है। तो ये 2 का हम भाग दे देंगे तो भी 38.5 आएगा, और सामान्य भाषा में सीधा याद रखें 2/2 जैसे आएगा हम आधा कर देंगे, पहले सम संख्या है तो सीधा आधा कर दो, विषम है तो 1 निकालो आधा करो, फिर उस 1 का आधा 0.5 होता है, ये फिक्स है। तो ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इस अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, और एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लगातार देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते रहे हमारे वीडियोज़ और बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।